अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज़ योर इंस्ट्रक्टर आसिम महबूब. सो आई गेव यू सम ऑफ द क्वेश्चन इन द मॉर्निंग, सो आई जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन बाय माई सेल्फ, बिकॉज शेयरिंग ऑफ सोल्यूशन इज़ वेरी ईजी. आई कैन गिव यू द फाइल, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे जस्ट कॉपी एंड डू देयर वर्क, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई बिलीव इज समथिंग डिफरेंट दैट you should understand. So I am trying once again to make you understandable, so you can see that was the problem and how we are supposed to read the transactions and adjusting entries and make them solve. So one or two student contact with me that they have a problem in problem number 6 and 7. So I decide to discuss these problem. These are very simple. So guys, Starbucks company annual accounting year end on December 31st. I told you that this date is very important. It is December 31st, 2017, and all of the 2017 entries except the following adjusting entries have been made. So number A, on September 1st, 2017, SBC collected 6 month rent of ₹7,02,000 on a storage space. At that date, Starbucks use cash and unearned rent revenue accounts. So make sure that our accounting year complete or ends on December 31st, 2017. And on September 1st, we collected 6 month rent. Hame September 1st ko 6 month rent mil gaya hai. September 1st ko mila hai aur 6 mahine ka mila hai. On a storage space. और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी तक का है, हमें रेंट मिल गया है. और हमने क्या एंट्री पास की हुई, कैश डेबिट हो गया होगा, अनअर्न रेंट रेवेन्यू क्रेडिट. कैश डेबिट क्यों हुआ होगा, क्योंकि हमें पैसा मिला है. कैश हमारा एसेस होता है, वेन एवर एसेस इंक्रीज वी रिकॉर्ड बाय डेबिट साइड. और अनअर्न क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि अभी हमारे जो स्पेस है उसने पूरे महीने पूरे नहीं किए हैं, हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है, तभी तो स्टार्ट हुआ है. तो ये जब तक हमारा पूरा महीने नहीं गुजर जाएंगे या 3 महीने नहीं गुजर जाएंगे या 6 महीने नहीं गुजरेंगे, ये हमारा रेंट अर्न नहीं होगा. अर्न जब होता है जब पैसे, जब टाइम पूरा हो जाए, जब हमारी स्पेस ने जो हमने रेंट दिया हुआ है वो कंप्लीट हो जाए. सो गाइज, इट्स वेरी सिंपल. हमने एंट्री पास क्योंकि कैश डेबिट, अनअर्न रेंट रेवेन्यू क्रेडिट. बट अब आप देखें, हमने रेंट कब लिया, सेप्टेम्बर 1st को. सो वी रिसीव रेंट ऑन सेप्टेम्बर 1st. Where we are now, 31st December. This is very important. So September, October, November, 3 months has gone. So this month, this rent is for 6 months. So what will we gonna do? 700,200 divided by 6 months. So we can get per month rent. When we get per month rent, multiply by 3, because September, October, November, December, 4 months, sorry. September, October, November, December, 4 month has gone out of 600, out of 6 month. So 700,200 divided by 6 month. So we calculated the per month and multiply by 4, because we have to find out the 4 month rent expense. So this will be called our unearned rent revenue will be debit and rent revenue will be credit. रेंट रेवेन्यू, वाई रेंट रेवेन्यू विल बी क्रेडिट, बिकॉज वी हैव अर्न नाउ. हमने रेंट अपना अर्न कर लिया, तो हम रेंट रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे और अनअर्न को डेबिट कर देंगे बाय द अमाउंट ऑफ 4 month रेंट. एंड फोर मंथ अमाउंट रेंट क्या होगी, 466,800. यू कैन कैलकुलेट वेरी इजीली, आई कैन शो यू हेयर. 78,200 को आपने डिवाइड बाई 6 करना है, क्योंकि 6 महीने का रेंट है. जब पर मंथ रेंट निकल आएगा तो आपने मल्टीप्लाई बाय 4 करना है. 4 क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने का आपने रेंट आपने यूज़ कर लिया है, आपकी जगह इस्तेमाल हो गई है, तो आपका ये रेंट रेवेन्यू हो गया है. ये हमारे क्लाइंट ने इस्तेमाल कर लिया है, तो ये हमारा रेंट रेवेन्यू हो गया है. सो अनअर्न रेंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी हमारी कंप्लीट हो गई, क्योंकि हमारी जगह स्पेस यूज हो गई. सो अनअर्न रेंट 4,66,800 से डेबिट होगा और रेंट रेवेन्यू क्रिएट हो जाएगा. नंबर बी, एट दिसंबर 31st, वेजेस अर्न बाय एम्प्लॉयज टोटल
14,000. द एम्प्लॉयज विल बी पेड ऑन नेक्स्ट पेरोल डेट January 15. हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? December 31 में. सो वट दे सेइंग वेजेस अर्नड इट्स मीन आवर एम्प्लॉयज हैज बीन डन सम वर्क फॉर अस सो दे हैव अर्नड इट्स मीन हमें उनको पे करना है. पे कब का होगा? January 15 को. लेकिन हमने इस महीने के जब उन्होंने अर्न कर लिया December 31 को तो उनकी सैलरी बन चुकी है, उनकी वेजेस बन चुकी है, हमें उसको पे करना है. लेकिन हम पे करेंगे 15 जनवरी में. लेकिन ये किस साल के एक्सपेंस होंगे? आई टोल्ड यू पीपल देर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन दैट द मैच द रेवेन्यू शुड बी मैच विद योर एक्सपेंस एंड योर एक्सपेंस शुड बी मैच विद योर रेवेन्यू ऑफ अ सेम ईयर. सो आपके एम्प्लॉयज ने कब काम किया? दिसंबर के महीने में. तो उनको सैलरी भी कब मिलनी चाहिए थी? दिसंबर के महीने में. लेकिन हम उनको कब पे करते हैं? हर महीने की 15 को पे करते हैं. तो अभी तक हमने 15 जनवरी नहीं आया है, अभी 31 दिसंबर आया है. तो लेकिन उन्होंने काम कर दिया है, उनकी सैलरी बन चुकी है, लेकिन हमने पे नहीं किए क्योंकि पे हम हर 15 को करते हैं. लेकिन ये एक्सपेंस किस साल का है? 2018 का नहीं है, ये 2017 का एक्सपेंस है. तो हमें इसको इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो हम अपनी सही प्रॉफिट निकाल सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि जिस साल का एक्सपेंस हो उसको उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए तो हमारा प्रॉफिट सही निकलेगा. तो हमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट विद द अमाउंट ऑफ 14,000, 14 लाख रुपीस. अगर आप जनवरी 15 में जाके इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये गलत होगा क्योंकि ये एक्सपेंस जो है वो दिसंबर 2017 का है, ये जनवरी का नहीं है. तो हमें उसको उसी दिन रिकॉर्ड, उसी साल रिकॉर्ड करना चाहिए. और चाहे हमने पे किया हो नहीं किया हो, क्योंकि वी फॉलो द अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल कॉन्सेप्ट वी हैव टू रिकॉर्ड अवर एक्सपेंस वेदर वी पेड द कैश और नॉट. इफ इट हैज़ बीन इंकर्ड सो वी हैव टू रिकॉर्ड इट. सो व्हाट डू द एंट्री? वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेबल क्रेडिट बाय 14,800. सी द कंपनी अर्न सर्विस रेवेन्यू 300 ऑन अ स्पेशल जॉब दैट वॉज कंप्लीटेड December 29. कलेक्शन विल बी मेड ड्यूरिंग जनवरी. No entry has been recorded. Now it's the same thing that is called the accrual or accrual concept. I told you people that company earned services. It's mean company earned services mean company has provided the services. मैंने आपको पहले कई दफ़ा समझाया है कि जब भी आप सर्विस दे दें या आपकी इनकम हो गई, आप इनकम रिकॉर्ड कर लें. इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट में. सो सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट 300,000. अकाउंट रिसीवेबल और सर्विस रिसीवेबल डेबिट बाय 300,000. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. पैसा नहीं आया. पैसा कब आएगा? जनवरी में. लेकिन हमने उसकी फिक्र नहीं करनी है. अगर आपने सर्विस अर्न कर ली है इसका मतलब है आपने सर्विसेज दे दी हैं, आप उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें. आई रिपीट, इफ़ यू हैव प्रोवाइडेड द सर्विसेज रिकॉर्ड योर रेवेन्यू रिगार्डलेस वेदर यू रिसीव द कैश और नॉट बिकॉज यू फॉलो द अक्रूवल कॉन्सेप्ट. सो एंट्री विल बी सर्विस रिसीवेबल डेबिट और यू कैन से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट लाइक दैट. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट. यू कैन से ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सैलरीज पेबल क्रेडिट. ओके. नंबर डी, ऑन October 1, 2017 द कंपनी बोरोड 1,800,000 फ्रॉम अ बेहतर जिंदगी बैंक एंड साइन 12% नोट फॉर दैट अमाउंट. द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेबल ऑन द मेच्योरिटी डेट September 30, 2018. Now, one of two students contact me about this. I'm very happy that they contacted with me and they share that they have a problem. You know, for teacher, it is good that you ask the things if you have problem. So, I like and I appreciate that the people ask me, and I'm always feeling happy all about this, that a student is doing something and they are facing some problems, so they should ask their teachers, and I am warmly welcome every time because this is very important. So guys, this are all about interest expense problem. What you have to do, you have to take it very light and try to understand it what's going on. October 1st, where we are 31st December, October 1st, the company borrowed 18,800 फ्रॉम अ बेहतर जिंदगी बैंक लिमिटेड, साइन अप 12% नोट फॉर दैट अमाउंट. ओके, इसका मतलब क्या है? आपने 18 लाख रुपये उधार लिए हैं, 12% आपको पर ईयर देना पड़ेगा इंटरेस्ट. ओके, द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर पेबल ऑन मेच्योरिटी डेट September 30, 2018. और आपने
प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट पे करना है, अभी नहीं पे करना, आपने पे करना है 2018 पे, दिसंबर 30 पे। तो आपने पे तो बाद में करना है, लेकिन आपने रिकॉर्ड करना पड़ेगा जितने महीने गुजर चुके हैं, क्योंकि आपने अभी अकाउंटिंग करनी 2017 की। तो अभी आप कहाँ खड़े हैं, अक्टूबर 1, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका मतलब है 3 मंथ्स का इंटरेस्ट ड्यू हो गया आपके ऊपर। इट्स मीन दैट द इंटरेस्ट हैज़ बीन ड्यू फॉर 3 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट 3 मंथ्स इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो वेरी सिंपल, 1800,000 को आपने 12% निकालना है, और 12% जो है पूरे साल का है, फिर आपने उसको डिवाइड बाय 12 करना है, पर मंथ का निकलेगा, फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, क्योंकि आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर का निकालना है। और एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। फिर रिपीट कर देता हूँ, अक्टूबर 1 को आपने लोन लिया है, कंपनी बोरोड $1,800,000 फ्रॉम बेहतर ज़िंदगी, पूरे साल का इंटरेस्ट कितना है 12%। सो वट यू हैव टू डू, 1800,000 मल्टीप्लाई बाई 12%, सो यू विल गेट एनुअल इंटरेस्ट रेट और एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट। आफ्टर कैलकुलेटिंग एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट, वट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 12, और यू कैन डू डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, यू विल गेट द इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर 3 मंथ्स, फ्रॉम अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बिकॉज यू हैव टू कैलकुलेट टिल दिसंबर। सो इफ आई कैलकुलेट 1800,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, इट विल बी कॉल्ड 2,16,000 द होल ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस, द होल ईयर इंटरेस्ट एक्सपेंस। वट यू गोना डू डिवाइड बाई 12, यू विल गेट पर मंथ 18,000 मल्टीप्लाई बाई 3, यू विल गेट 54,000 एक्सपेंस डेबिट, 54,000 पेबल क्रेडिट। सो 54,000 इज योर इंटरेस्ट अमाउंट फॉर 3 मंथ्स ओनली, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, लाइक दैट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 54,000, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट 54,000। हाउ यू कैलकुलेट, आई कैन रिपीट अगेन, 1800,000 रुपीज यू बोरो द मनी, मल्टीप्लाई बाय 12% इज द एनुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, 18 लाख का आपने 12% निकालना है, वो पूरे साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर आपने उसको डिवाइड बाय 12 कर लेना है, पर मंथ का आ जाएगा। फिर आप ये देखें मल्टीप्लाई कितने महीने से करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आपको 3 मंथ्स का इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे। और November 1, 2017 SBC पेड अ 1 ईयर प्रीमियम फॉर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 7 लाख फॉर कवरेज स्टार्टिंग ऑन दैट डेट, कैश इन प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट वर यूज्ड। कैश आपने पे कर दिया होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर लिया होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट कर दिया होगा, कैश क्रेडिट कर दिया होगा। वट हैपन्स ऑन November 1, यू परचेज अ 1 ईयर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस 7 लाख November 1, और आपने कहाँ तक जाना है, December 31। सो कितने महीने को इस्तेमाल हो गया, November 1 पूरा नवंबर का महीना, नवंबर के बाद दिसंबर का महीना, 2 मंथ्स की आपने इंश्योरेंस निकालनी है। और जब इंश्योरेंस निकाल लेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। आप 2 महीने की कैसे निकालेंगे, ये पूरे साल की है, 7 लाख। 7 लाख को आप बहुत आसानी से आप क्या कर लें, 7 लाख का आपने क्या निकालना है, 7 लाख पूरे साल की, इसका मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो पर मंथ निकल आया 58,333, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें किससे, 2 मंथ से, तो ये आ जाएगा 1,16,066। तो ये 2 मंथ्स की इंश्योरेंस होगी। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, क्योंकि आपका एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, 2 मंथ्स की इंश्योरेंस से आप अपना एसेट्स को डिक्रीज कर देंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लेंगे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 7 लाख पूरे साल की इंश्योरेंस है, अभी कितनी यूज हुई है, नवंबर से 31 दिसंबर, हम अपना अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट कर रहे हैं 31 दिसंबर को। सो नवंबर और दिसंबर 2 महीने की इंश्योरेंस निकालनी है आपने, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट कर देंगे, इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो देखें क्या एंट्री पास बनेगी, 1,16,067, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, इट्स वेरी सिंपल। Why I am giving you in the form of recording, you can stop, you can reverse, you can rewind, you can forward, you can learn, you can listen again and again, it will be no problem.
ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ सर्विस ट्रक परचेज ऑन July 1, 2017 एट अ कॉस्ट ऑफ 15 लाख. सो ओवर हेयर दे ऑलरेडी प्रोवाइडेड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. सो वेन दे प्रोवाइडेड अस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सो वी आर नॉट सपोज टू वरी अबाउट एनीथिंग. वी हैव टू मेक अ जस्ट सिंपल एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट बाय 2 लाख. सो यू हैव टू मेक अ जस्ट सिंपल एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन क्रेडिट. नेक्स्ट, कैश ऑफ 300 वॉज कलेक्टेड ऑन November 1, 2017 फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड इवनली ओवर द नेक्स्ट ईयर बिगनिंग November 1. अनर्न्ड सर्विस रेवेन्यू एंड कैश अकाउंट्स वर यूजुअली इनिशियली रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शंस. सो सी दिस एंट्री, 3 lakhs वर यूज और 3 lakhs हैज बीन कलेक्टेड. व्हेन 3 lakh हैज बीन कलेक्टेड, सो हमने क्या एंट्री पास क्योंकि कैश डेबिट और अनर्न रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि ये एडवांस में हमारे क्लाइंट ने हमें पे कर दिया है और हमने कलेक्ट कर लिया है 3 lakh. और 3 lakh किसका है, व्हाट दे सेइंग, दे कलेक्टेड November 1 फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड इवनली ओवर द नेक्स्ट ईयर बिगनिंग ऑन November 1. अनर्न सर्विस रेवेन्यू आपने क्रेडिट कर दिया होगा, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया होगा. अभी पूरा महीना, पूरे 12 महीने और पूरे महीने इस्तेमाल हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सो 2 मंथ्स का हमने निकालनी है कि 2 मंथ्स की हमारी इंश्योरेंस क्या, हमारी जो है सर्विसेज हैं वो क्या हो गई होंगी, इस्तेमाल हो गई होंगी, हमने सर्विसेज दे दी होंगी. 3 लाख पूरे साल की सर्विसेज हैं, बट हमने कब कलेक्ट किया, November 1 को. सो नवंबर का पूरा महीना, दिसंबर का पूरा महीना, 2 मंथ्स की हम सर्विस दे चुके होंगे. तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, अनर्न सर्विस रेवेन्यू विल बी डेबिट एंड सर्विस रेवेन्यू विल बी क्रेडिट बाय 50,000. क्योंकि 3 लाख को आप तीन लाख को आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 आ जाएगा. 25,000 को 2 महीने से निकालेंगे तो 25 और 25 कितने होते हैं, 50,000. सो 50,000 विल बी योर इंश्योरेंस एक्सपेंस, सॉरी अनर्न सर्विस रेवेन्यू डेबिट हो जाएगा, सर्विस रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. आई रिपीट, कैश ऑफ 300,000 वॉज क्रेडिट ऑन November 1 फॉर सर्विस टू बी रेंडर्ड इवनली ओवर द नेक्स्ट पीरियड नेक्स्ट ईयर. तो ये पूरे 12, इट्स ऑल अबाउट द 12 मंथ्स सर्विस टू बी प्रोवाइडेड. सो इट्स बीन 2 मंथ्स हैज गॉन, नवंबर दिसंबर वी हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मच सर्विसेज वी हैव प्रोवाइडेड. सो 2 मंथ सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड, सो 3 लाख डिवाइड बाई 12 दैट विल बी कॉल्ड 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाई 2 मंथ्स दैट विल बी कॉल्ड 50,000. सो अनर्न सर्विस रेवेन्यू विल बी डेबिट and service revenue will be credit like that. Now you can see unearned service revenue debit and service revenue credit. So this will be the entry. Okay guys, if you have any problem you can contact me again, I will share you with this, no problem. Okay, question number 7. In question number 7 they have already given us the trial balance. Ehsan Raza Zaidi started his own consulting firm, trial balance May 31st. You can see that this is the trial balance and there are some other information has been provided. If you see here, this question is very interesting. So let's see, have a look. This is the other data. Other data is very important. It's a current data. We have to follow this. This is the old data, trial balance, and where the information has been arrived in the trial balance. The information arrived in the trial balance with the help of ledger, and from where the ledger information came from the general. So if you remember the accounting cycle, first of all the transactions are recorded in the general, then we transfer into ledger, and then we after balance we will post our all balance in the trial balance. So the old data is trial balance. Pure saal ka jo data hota hai wo kab hota hai, ye pure mahine ka hai, sorry, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 मई को और हम अपना ट्रायल बैलेंस का बना रहे हैं 31 मई को, पूरे महीने का है. सो यहाँ महीने के हिसाब से देखेंगे. यहाँ जो बात हो रही थी पूरे पूरे साल की बात हो रही थी question number 6 में. सो प्लीज़ बी अटेंशन एंड गिव अटेंशन हेयर एंड आई नीड योर कंसंट्रेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
सो ये हमारा ओल्ड डेटा है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जो ऑलरेडी जनरल बनी होगी, लेजर बनी होगी, फिर ट्रायल बैलेंस में आके हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन वो कुछ बता रहा है कि इन एडिशन टू दोज अकाउंट्स लिस्टेड इन द ट्रायल बैलेंस, द चार्ट ऑफ अकाउंट फॉर जैदी कंसल्टिंग ऑल्सो कंटेन द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड अकाउंट्स नंबर। एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन है, इक्विपमेंट है, ये अकाउंट नंबर के साथ डेटा दिया हुआ है। अदर डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ₹9,000 ऑफ सप्लाइज हैव बीन यूज ड्यूरिंग द मंथ। आपको घबराना नहीं है, आपने समझना है कि ये क्या कह रहा है। व्हाट दे सेइंग, 9,000 ऑफ सप्लाइज हैव बीन यूज ड्यूरिंग द मंथ। 9,000 ऑफ सप्लाइज हैव बीन यूज, इसका मतलब है 9,000 की सप्लाइज यूज हो गई है ड्यूरिंग द मंथ। इसका मतलब हमारे पास सप्लाइज थी, तो अगर ऊपर जाके देंगे सप्लाइज हमारे पास कितनी की थी, 19,000 की, और यूज कितनी हो गई है, 9,000 की। तो हमने यूज की एंट्री पास करनी है, तो व्हाट द एंट्री विल बी, सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट एंड ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट बाय 9,000। आई रिपीट, 9,000 सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट। दिस इज वेरी सिंपल, सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट बाय 9,000। ये हमने एंट्री क्यों पास करी, क्योंकि हमारी सप्लाइज यूज हो गई है, सप्लाइज हमारा एसेट्स था, जब वो एसेट्स यूज होता है तो वो एक्सपेंस तब्दील हो जाता है और एसेट्स हमारा कम हो जाता है। तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया, सप्लाइज हमारा एसेट्स था कम हो गया, तो जब एक्सपेंस बढ़ा हमने उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया। सो सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट एंड सप्लाइज विल बी क्रेडिट। नेक्स्ट, यूटिलिटी एक्सपेंस इंकर्ड बट नॉट पेड, इट्स वेरी वेरी सिंपल, अक्रूड एक्सपेंस एंट्री है, क्योंकि एक्सपेंस इंकर्ड हो गया, हमने पे नहीं किया है। मैंने आपको कहा था चाहे आप पे करें नहीं करें, या आपका एक्सपेंस हो गया, आप इसको रिकॉर्ड कर लें। सो व्हाट विल द एंट्री, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट बाय 7,500। आई रिपीट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज पेबल क्रेडिट बाय 7,500। यू कैन सी हियर, इट्स वेरी सिंपल, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर 2 ईयर्स। नाउ दे आर गिविंग यू द जस्ट सिंपली द इंश्योरेंस पॉलिसी इज फॉर 2 ईयर्स। सो ओवर हेयर वॉट इज द इंश्योरेंस रिकॉर्डेड, सी हेयर देर इज अ प्रीपेड इंश्योरेंस 36,000। और हमने ये कब का डेटा है हमारे पास, स्टार्ट कब हुआ बिजनेस, May 31st को, इसका मतलब हमने अभी खरीदी होगी इंश्योरेंस, और कंप्लीट कब हुआ है, 31 मई को। सो माई डियर, ये जो इंश्योरेंस यहाँ पे शो हो रही है 36,000, ये 2 साल की है अगर आप यहाँ देखें तो। भाई जब ये 2 साल की है तो 36 को आप डिवाइड करेंगे, 36,000 को आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 24, तो पर मंथ निकल आएगी 1,500। तो पूरा महीना गुजर चुका है मई का, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी क्रेडिट बाय 1,500। सो हाउ यू गेट 1,500, आई रिपीट, 36,000 इज फॉर 2 ईयर्स इंश्योरेंस। आई रिपीट, 36,000 प्रीपेड इंश्योरेंस इज बिलोंग टू 2 ईयर्स इंश्योरेंस पॉलिसी। सो 36,000 डिवाइड बाई इन हाउ मेनी मंथ्स इन 2 ईयर्स, 24 मंथ्स। सो 36,000 को आप डिवाइड करेंगे 24 से, पर मंथ की निकल आएगी, फिर आप 1 महीने की आप निकाल लेंगे, वो कितनी निकल आएगी, 1,500। तो आपने एंट्री क्या पास करनी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट बाय 1,500। 1 महीने की इंश्योरेंस आपने निकालनी है। नेक्स्ट, 4,000 ऑफ द बैलेंस इन द अनअर्न सर्विस रेवेन्यू अकाउंट रिमेन अनअर्न एट द एंड ऑफ द मंथ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 4,000 का जो बैलेंस है अनअर्न सर्विस रेवेन्यू अकाउंट रिमेन अनअर्न, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बैलेंस और भी होगा अनअर्न में। तो यहां हमें जाके देखना पड़ता है अनअर्न में कितना बैलेंस है, 20,000 का। ये वो सर्विसेज जो अभी हमने देनी है, हमने अभी तक दी नहीं है। अनअर्न सर्विस रेवेन्यू का मतलब है जो हमने सर्विसेज अभी दी नहीं है, हमारी लाइबिलिटी है, हमें सर्विसेज देनी है, हमने पैसे पहले रिसीव कर लिए हैं, कैश डेबिट कर लिया होगा और अनअर्न सर्विस रेवेन्यू क्रिएट कर दिया होगा। सो 20,000 की सर्विसेज ऐसी हैं जो अभी हमने देनी है। अब नीचे बताया जा रहा है सिर्फ भाई 4,000 की रह गई हैं, इसका मतलब है हमने 20,000 में से 16,000 की सर्विसेज परफॉर्म हम कर चुके हैं। और जब मैंने आपको बताया था कैसे पता चला, हमें 16,000 की हमने सर्विस परफॉर्म कर दी है, ऊपर 20,000 दिया हुआ है, नीचे कितना दिया हुआ है, 4,000। सो मेरे लिए करंट डेटा कौन सा है, नीचे वाला। किसकी बात मैं ज़्यादा सुनूंगा, नीचे वाले की। ये ओल्ड डेटा है जो जनरल से गया हुआ है लेजर में, लेजर से गया हुआ ट्रायल बैलेंस में। सो 20,000 की थी अनर्न, अब सिर्फ और सिर्फ कितनी की रह गई है,
4,000 की रह गई हैं. 4,000 ऑफ द बैलेंस इन द अनअर्नड सर्विस रेवेन्यू अकाउंट रिमेन अनअर्नड. इट मीन दैट 16,000 हैज़ बीन अर्न एंड आई टोल्ड यू पीपल 16,000 अर्न. सो यू हैव टू रिकॉर्ड योर रेवेन्यू. रेवेन्यू विल बी क्रेडिट बाई 16,000 एंड अनअर्नड विल बी डेबिट बाई 16,000 बिकॉज यू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ 16,000. सो अनअर्नड विल बी डेबिट बाई 16,000 एंड earned revenue or service revenue will be credited by 16,000 like that. Unearned service revenue debit 16,000, service revenue 16,000. It's very simple. Next, May 31st is the Wednesday and employees are paid on Friday. Zaidi Consulting has two employees who are paid 9,000 each for 5 days work week. ये बहुत simple सी है. देखिए मैं आपको बताया है, 5 दिन का एक हफ्ता है और हम हर महीने हर हफ्ते को फ्राइडे को पे करते हैं, लेकिन इत्तफाक से हमारा 31 मई कब पड़ गया, वेनिसडे को पड़ गया. इसका मतलब हमने लास्ट वीक फ्राइडे को पे किया होगा. अब कितने दिन रह गए, मंडे ट्यूसडे वेनिसडे. लेकिन ये दिन, ये हफ्ता जो है किस तरह है, मैं आपको बताऊँ 5 दिन का कैसे है. मंडे ट्यूसडे वेनिसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन हो गए. 5 दिन की हम 9,000 पे करते हैं ईच एम्प्लॉय को. सो माई डियर, लास्ट फ्राइडे आपने पे कर दिया होगा, अब नया वीक कब से शुरू होगा, मंडे से, मंडे ट्यूसडे वेनिसडे. तो आपको 3 डेज की वेजेस निकालनी है. तो 9,000 5 दिन की है, तो 3 डेज की कितनी होगी. सो मैं ये आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ, 9,000 डिवाइड बाई 5, सो पर डे निकल आएगी. और पर डे को आप मल्टीप्लाई करें 3 डेज से, 9,000 डिवाइड बाई 5 डेज, ये आगे 1800, 1800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 डेज से, क्योंकि वेनिसडे को आपका थर्ड लास्ट डे पड़ रहा है, तो 5,400 पड़ेगा ये. और दो एम्प्लॉयज़ हैं, 5,400 पड़ेगा. तो 5,400 जब दो एम्प्लॉयज़ को आप पे कर रहे हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 10,800. सो क्या बनेगी एंट्री, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज एंड वेजेस पेबल क्रेडिट बाई 10,800. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसमें स्टूडेंट को हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन ये कुछ भी नहीं है. जाहिर है आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप इसके बारे में परेशान हो, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. यू हैव टू आस्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन प्लीज़, अदरवाइज़ आई विल बी नॉट सेटिस्फाइड इफ़ यू वॉन्ट आस्क मी. आई वॉन्ट टू बी वेरी रिलैक्स, आई वॉन्ट टू गेट पीसफुल लाइफ. आई कैन बी रिलैक्स वैन माई स्टूडेंट्स आर रिलैक्सड. प्लीज़ If you have any question, you have to ask me again and again, but you have to work hard. अगर आपको मुझसे नहीं पूछना, अपने दोस्तों से पूछें, अपने क्लासमेट से पूछें, नहीं समझ में आए फिर आप मुझसे पूछें, फिर नहीं समझ में आए दोबारा मुझसे पूछें, मैं आपको बार बार समझाऊँगा. ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ ये बात, और जब भी मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप आराम से इसको रिवाइंड करें, फॉरवर्ड करें, रिवाइंड करें, फॉरवर्ड करें, तस्वीर लें, तस्वीर आप जो कुछ कर सकते हैं करें. मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, these are nothing for you if you take my lecture with concentration. I know what I'm teaching, I know what I teach, I know my techniques. I'm very confident, students are very positive about me always. So what I say, I mean it. So please, you have to cooperate with me. I told you in the first class as well, you have to tell me if you have any problem, okay, please. So May 31st is a Wednesday day. We pay every week on Fridays. So last week we have already paid, we have already recorded. Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days we have to record. So how much for 3 days? 9,000 for 5 days. So 9,000 divided by 5. जब हम करेंगे तो हमें एक दिन की निकल आएगी सैलरी, एक एम्प्लॉय की. यहाँ दो एम्प्लॉयज़ है हमारे पास, तो 9,000 को आपने बड़े आराम से डिवाइड करना है 5 डेज से, पर डे की निकल आई. फिर आपने मंडे ट्यूजडे वेनजडे 3 दिन की निकालनी है. उस जो भी पर डे किया है, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई करें, तो वो एक एम्प्लॉय की निकल आएगी सैलरी. फिर दो एम्प्लॉयज़ को मल्टीप्लाई 2 कर लें, और फिर आप एंट्री पास कर दें, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस पेबल क्रेडिट, इस तरह 10,800. ओके, नेक्स्ट, इक्विपमेंट हैज़ अ 5 ईयर्स लाइफ विद नो सैलरी वैल्यू. इट इज़ बीन डेप्रिशिएटेड 19,800 पर मंथ फॉर 60 मंथ. I must say you people are very lucky that they are already given you the depreciation 19,800 per month.
when they are giving you 19.8 per month depreciation, record the depreciation directly. Depreciation expense debit, accumulate depreciation credit by 1900. Now you can see depreciation expense debit, accumulate depreciation credit. It's very simple. Next, invoice representing 17,000 service performed during the month had not been recorded as of May 31st. Now, invoicing representing 17,000 for services performed during the month have not been recorded. This is what accrued revenue, if you see. Accrued revenue is that revenue that you have already performed the services but you did not receive the cash. My dear, jab bhi aisi entry aaye, अच्छा हमें इसके ऊपर देखना पड़ेगा. ऊपर ऊपर हमें क्या बता रहा है, 17,000 इनवॉइसेस रिप्रेजेंटिंग 17,000 कि हमने सर्विसेज दी होंगी, हमें पैसा नहीं आया है. तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 17,000, सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट 17,000. ये कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आपने एंट्री पास करनी है. देखिए यहाँ बड़ा अच्छा वर्ड है, सर्विसेज परफॉर्म्ड. आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, whenever you see service performed is record your revenue. And where you record your revenue, revenue always record on the credit side, service revenue credit and accounts receivable debit by 17,000. So accounts receivable debit, service revenue credit. So ye aapne just need to pass kar liye, ye to ho gaya pehla portion. Dusra aapne kya karna, enter the total of the trial balance as beginning account balance, post the adjusting entries in the ledger account and then you have to prepare adjusted trial balance. Aapne sabse pehle in tamam entries ko, trial balance ko aapne kya karna hai, इसमें आपने कॉपी करना है, इंट्रीज अकाउंट में बनाना है. और फिर ये जो इंट्रीज हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. देखिए ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, मैं आपको उर्दू में सीधे समझा रहा हूँ ताकि साफ के समझ में आ जाए. अब ये कैश का लिखा हुआ है 45,000. तो आपने कैश का अकाउंट बनाया, कैश का अकाउंट देखें कहाँ पर है. अच्छा, इन्होंने सिंपली क्या किया, क्योंकि यहाँ पे कैश की ट्रांजेक्शन नहीं है तो उन्होंने कैश का अकाउंट छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी होगी. गौर से देखें, एंटर द टोटल फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज द बिगनिंग अकाउंट बैलेंस, पोस्ट द एडजस्टिंग एंट्री टू द लेजर. अब इन्होंने सिर्फ कौन से अकाउंट्स बनाए जिनके अकाउंट्स में यहाँ पे चेंजेस आई हैं, बाकी कैश ये डायरेक्ट जो है वो देखें, कैश में कोई चेंज नहीं आई. अगर आप हमारी एडजस्टिंग एंट्री देखें गौर से देखें, यहाँ के कैश में कहीं चेंज आई है. तो कैश कितना था यहाँ पे, 71,500. ये डायरेक्ट ले गए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में. अगर आप यहाँ देखें 45,000 कैश लेकर डायरेक्ट 45,000. यहाँ कितना था, 71,500 था, सही है. अब 71,500 को इन्होंने यहाँ पे कैसे हैंडल किया है, ओके सी हियर, कैश ओवर हियर, कैश इज नॉट इफेक्टेड इन एनी वे इन द एडजस्टिंग एंट्रीज. You can see here there is no effect on the adjusting entries cash. Can you see here? There is no cash here. So what we do, what we gonna do? The cash will go directly 45,000. You can see how much cash is 45,000. Accounts receivable. So you have to see accounts receivable, how much accounts receivable? 60,000. So you have to make a accounts receivable account. This is accounts receivable 60,000. And you have to see here, accounts receivable is debit or credit here. Over here there is no, over here there is no, over here there is no, over here there is no. If you make it down, there is no accounts receivable here, there is no accounts receivable. Oh, this is accounts receivable. So 17,000, it was before. If you see how much, accounts receivable 60,000. And over here is also debit 17,000. So total accounts receivable becomes 77,000. So what you gonna do here, the accounts receivable will be 77,000. Are you getting what I mean? I repeat once again, जो भी आपको trial balance में या question में given था 60,000, आपने उसको यहाँ copy करना है और फिर देखना है कि adjusting entries में क्या change आई है, आया debit हो रहा है या credit हो रहा है. तो आप यहाँ देखें, आप accounts receivable क्या हो रहा है, 17,000 से debit हो रहा है. तो आपने 60,000 प्लस 70,000, डेबिट डेबिट होगा तो प्लस होगा और अगर डेबिट क्रेडिट होगा तो माइनस करेंगे, जो डिफरेंस होगा वो जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में. प्लीज़ ये आपने इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना है, इट्स वेरी सिंपल. जिसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूँ इक्विपमेंट,
कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक 2 लाख डायरेक्ट कैसे जाएगा आप देखिएगा, क्यों? क्योंकि एडजस्टिंग एंट्री में कोई फर्क नहीं आया, कॉमन स्टॉक देंगे 2 लाख ऐसे लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पर। हाँ लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को देखें, मैं आपको दिखलाता हूँ, सप्लाईज, सप्लाईज कितनी थी, 19,000 की थी, कब थी, 31 मई को, जो रिकॉर्डेड था डेटा। लेकिन क्या सप्लाईज में चेंज आया? यस ऑफ कोर्स आया, आप देखें सप्लाईज में क्या चेंज आया, यहाँ देखें सप्लाईज क्या हो गया, क्रेडिट हो रहा है 9,000 से, तो यहाँ सप्लाईज आप गौर से देखें डेबिट थी और वहाँ क्रेडिट थी, तो हम माइनस करेंगे, सप्लाईज 19,000 वहाँ डेबिट थी, यहाँ पे सप्लाईज क्या हो रही है 9,000 से क्रेडिट हो रही है, सो 19,000 में से 9,000 माइनस करेंगे कितनी बचेगी 10,000, सो 10,000 आपका जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। ये देखें सप्लाईज 10,000, ये 10,000 यहाँ पे क्या आ रहा है, सप्लाईज 10,000। तो फिर मैं कह रहा हूँ, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ डेबिट है या यहाँ क्रेडिट है और एडजस्टिंग एंट्री में डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, तो अगर यहाँ डेबिट है और एडजस्टिंग एंट्री में भी डेबिट है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ डेबिट है और एडजस्टिंग एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, और फिर जो अमाउंट बचेगी वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में जाएगी। तो इस सवाल में देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर्स एंड पुट इन द ओपनिंग बैलेंस, देन यू हैव टू बैलेंस इट, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आगे और देखते हैं, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ देखिए अकाउंट पेबल कितना था, 22,000 कहाँ पे था, क्रेडिट पे। क्या अकाउंट पेबल 22,000, यहाँ देखिए 22,000 क्रेडिट पे था, क्या यहाँ कोई चेंज आई है अकाउंट पेबल में, और से देखें अकाउंट पेबल में यहाँ कोई चेंज नहीं आई, यहाँ चेंज आई है, अकाउंट पेबल कितना था 22,000 ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी था, अकाउंट पेबल अब कितना हो गया 7,500, ये भी क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है, तो वह सेम होगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होंगे, और फिर ये अमाउंट कहाँ जाएगी, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। ये देखें अकाउंट पेबल टोटल जा रहा है कितना, अकाउंट पेबल और से देखें अकाउंट पेबल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 29,500। ये कैसे आया, ये पुराना बैलेंस है, ये एडजस्टिंग एंट्री का बैलेंस है, दोनों क्रेडिट है, सेम होगा तो प्लस करेंगे, डिफरेंस होगा तो माइनस करेंगे, सेम और होगा तो प्लस का मतलब क्या है, अगर वहाँ भी डेबिट है पुराने ट्रायल बैलेंस में और यहाँ एडजस्टिंग एंट्री में भी डेबिट है तो प्लस करेंगे, अगर वहाँ पर डेबिट है और यहाँ क्रेडिट है एडजस्टिंग एंट्री में तो माइनस करेंगे, फिर जो बैलेंस आएगा वो जाएगा। अब आप यहाँ देखें सप्लाईज था 19,000 और यहाँ सप्लाईज क्या आई 9,000 से, तो वहाँ डेबिट था पुराने ट्रायल बैलेंस में और एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट है, तो डिफरेंस अगर वो डेबिट, अगर वहाँ डेबिट है या क्रेडिट है तो माइनस करके जो भी अमाउंट आएगी वो एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस में जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस को उठाते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस वहाँ कितना था, गौर से देखें प्लीज़, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 36,000 था, ये किसके मुताबिक, ट्रायल बैलेंस जो कि डेटा आया लेजर से, लेजर से डेटा कहाँ पे आया, कहाँ से आया, जनरल जनरल में, तो जनरल बनी होगी, फिर लेजर में डेटा गया होगा, लेटर लेजर से कहाँ बना होगा, ट्रायल बैलेंस में, तो सबको नज़र आ रहा है कि 36,000 हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस था। अब हमने एडजस्टिंग एंट्री पास की तो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस गौर से देखें कितना हो गया, कम हो गया 1,500, तो पहले क्या 36,000 था डेबिट में, 1,500 क्रेडिट हो रहा है, तो वहाँ ट्रायल बैलेंस में डेबिट था, अब क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो वहाँ डेबिट है यहाँ क्रेडिट है, माइनस करेंगे, और आप इस तरह भी निकाल सकते हैं 36,000 में माइनस करें 1,500 से, जो बैलेंस बचेगा वो आपका जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। ये बता रहा है कि हमारे प्रीपेड 36,000 की थी, 1,500 हमने यूज़ कर लिए, जो बाकी जो बचेगी वो हमारा प्रीपेड है, वो कहाँ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। प्लीज़ आपने इसको गो थ्रू करना है, मेरे लेक्चर्स को, वीडियो लेक्चर मैंने दिए हैं आपको, आपने इसको सुनना है, आपने अच्छी तरह इसको बार बार रिवाइंड करके फॉरवर्ड करके देखना है, फिर ये आप इन सबको प्लस करेंगे तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपका बराबर आना चाहिए। प्लीज़ यू हैव टू ट्राई फॉर दिस। और फिर इसमें एक और सवाल दिया हुआ है, अगर आप गौर से देखें, ये सवाल दिया हुआ है यमुना का, यमुना अर्शद, यमुना अर्शद का सेम सवाल है, डेटा डिफरेंट होगा लेकिन आपने एडजस्टिंग एंट्री बनानी है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी ये दिया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, फिर हम आगे आएंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, लेकिन पहले आपने इसको काम करना है कि एडजस्टिंग एंट्रीज को फोकस करना है,
दूसरा आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है इस सवाल के बाद. ओके, थैंक यू सो मच. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन. आई मस्ट रिप्लाई विद यू, आई मस्ट रिप्लाई टू यू. यू आर नॉट सपोज टू वरी. इफ़ आई फॉरगॉट यू हैव टू रिप्लाई मी, यू हैव टू रिमाइंड मी अगेन. आई मस्ट रिप्लाई टू यू. डोंट वरी अबाउट एनी थिंग, बट इफ़ यू आर वेरी सीरियस आई एम विद यू एंड यू विल बी नो डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग. दिस इज माई चैलेंज विद एवरी वन. ओके गाइज, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस. टेक गुड केयर. थैंक यू.